उज्जैन के पास झारड़ा में चरित्र की शंका में पति ने पत्नी को जिंदा चला दिया। इससे पहले दोनों में जमकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि पति पत्नी को मारने के लिए दौड़ा। बचने के लिए पत्नी पड़ोसी के किराने की दुकान में जाकर छुप गई, लेकिन इसके बावजूद पति नहीं माना और दुकान की छत पर चढ़कर अंदर कूद गया। उसने दुकान के अंदर ही पत्नी के ऊपर केरोसिन डालकर उसे जिंदा जला दिया। आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक 90% महिला जल चुकी थी। उसके जलाने के सबूत आरोपी ने पाताल में फेंक दिए। दिल दहला देने वाली यह घटना उज्जैन के माहिदपुर के झारड़ा थाना क्षेत्र के आने वाले नलखेड़ा गांव की है, जहां पर मोकम सिंह 36 वर्ष अपनी 32 वर्षीय पत्नी अनीता पर शक करते हुए मारपीट करता था। घटना गुरुवार की बताई जाती है, जहां उसने दिन में भी अपनी पत्नी की पिटाई की। जब पति से बचने के लिए पत्नी पड़ोसी की दुकान में जाकर छुप गई, तो खून सवार पति ने उसे दुकान का शटर तोड़कर अंदर पहुंच गया। पत्नी के ऊपर केरोसिन डालते हुए उसने आग लगा दी। देखते ही देखते महिला जिंदा जल उठी। अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। खौफनाक घटना को अंजाम देने के बाद मोकम सिंह ने सबूत मिटाने की भी कोशिश की। घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे और एलसीडी को तोड़ दिया। इसके बाद डीवीआर लेकर वहां से फरार हो गया। थाना प्रभारी वीरेंद्र बंदेवार ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस टीम के साथ वहां पहुंची और जलती हुई महिला के ऊपर कंबल डालकर बचाने का प्रयास किया। महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे उज्जैन रेफर कर दिया गया था, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। वहीं आरोपी को खोजने के लिए पुलिस बल दिन भर लगा रहा। आखिरकार आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया, जिसने उसमें खुलासा किया कि महिला को जिंदा जलाने के फुटेज जिस डीवीआर में कैद है, उसने उसे तोड़कर 500 फीट बोरवेल में फेंक दिए हैं। जिसके बाद पुलिस दिन भर बोरवेल में डीवीआर खोजती रही। दरअसल महिला अपने पति से दूर रह रही थी। कई दिनों से चल रहे पति पत्नी के विवाद में शक की सुई आई तो विवाद बढ़ने लगा, जिस पर गुरुवार को आरोपी पति और उसका ससुर महिला से मिलने पहुंचे। जहां विवाद बढ़ा तो पति ने पत्नी को जिंदा जला दिया। पूरा घटनाक्रम ससुर देखता रहा, लेकिन महिला को उसने बचाया नहीं। एडिशनल एसपी आकाश भूरिया ने बताया कि महिला के पति और ससुर दोनों को ही हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कल झाड़ा थाने में एक मैटर आया था, जिसमें पत्नी को पति द्वारा मारपीट कर उसे जला देने की घटना सामने आई थी, जिस पर से थाना झाड़ा में धारा 307 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। वर्तमान में उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है, जिसमें से आरोपी पति और उनके ससुर कस्टडी में है। अब चूंकि घटना स्थल थाने से दूर है, पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और आरोपी पति और उसके ससुर को तत्काल गिरफ्तार किया गया। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।